ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಎ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯತ್ತಿದ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಾಕು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಗಿದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ प्रिंसिपल अलव अल कॉलेज प्रिंसिपल अलव तगित बड़ी आम अलव एक बेटा आपको कॉलेज में लेडीज रूम में बिठाया गया था क्या जी हमको पहले और फिर बाहर बैठो बोले एग्जाम पहले मत बैठो लेडीज रूम में बैठो बोले और फिर बाहर भेजे फिर नहीं बाहर नहीं भेजे वो लोग मतलब वो हिजाब निकालो बाहर शोर होगा इसीलिए बैठने रुकने नहीं वो लोग नहीं चाहते कि बाहर ये आए इसीलिए हमको लेडीज रूम में बैठा नहीं गया था अच्छा। पहले बोली कि अगर एग्जाम बैठना है तो हिजाब प्लस बुरखा दोनों निकाल के बैठो अच्छा निकाल के बैठो निकाल के बैठो तो हम मना किए हम बोले नहीं बैठेंगे नीलोज नीलोज अच्छा आप हिजाब को कैसे सपोर्ट करें बताइए क्या पीछे एग्जाम वालों लोग अलाउड मारता है हिजाब हाकोन रही अवरिगे ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ರಿ ಅವಾಗ್ರಿ ಈಗ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತು ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ प्रिंसिपल कई गवर्नमेंट इनमी बुर्का बुन अंदरकिन अंदरकिलरी अलौड लिंगराज समवस्त्र ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ರಿ ಬುರ್ಕಾಳೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ರಿ ಈಗ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಕಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲೌಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ದಿಂದಾನೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಐತಲ್ರಿ ನಮ್ದು ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಸೈತೆ ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲೌಡ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೇನು ಇದಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲೌಡ್ ಇತ್ರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ प्लेन आए थे बच्चों के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनको रोका गया एंड वो थोड़े बच्चे बाहर के भी वो बच्चों को थोड़ा ईव टीजिंग कर रहे हैं कि हिजाब को लेकर वगैरह दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द कॉलेजेस कोई ऐसा कानून नहीं निकला है कि हिजाब बैन करना वगैरह कोई नहीं निकला है कोर्ट में चल रहा है अभी तक लेकिन बच्चों को अभी एग्ज़ाम बैठने के लिए क्यों रोका जा रहा है बच्चों को एग्ज़ाम बैठने के लिए देना चाहिए जब कोर्ट का आएगा अभी बैठने के लिए दिया जा रहा है कॉलेजेस डिसीजन ले रहे हैं तो ठीक है लेकिन इसको एक इशू पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं ये सभी हाँ हिजाब को लेकर हाँ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ दे हैव टू टेक अ स्टैंड एंड दे हैव टू टेल दे हैव शुड अब बेटी एक तरफ अपना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ उसको कमज़ोर कर रहे हैं बेटी को
हाँ पढ़ने से रोका जा रहा है बिकॉज इनको है ना इधर से यूपी इलेक्शन से जोड़ा जा सकता है, इनको फायदा होगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। अरे वी आर थिंकिंग ऑफ यूनाइटिंग एंड पीस इन द कंट्री, बट दिस पीपल वो दे आर डिवाइडिंग हिंदू मुस्लिम करके है ना, ये सियासी एक रंग दिया जा रहा है। हम डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बताया कि हम आपको एग्जाम्स अलाउ करेंगे, लेकिन जब जैसे ही हमने हिजाब का टॉपिक निकाला वो बोले कि इस टॉपिक पे बात ही मत करो। तो इसका मतलब उन्होंने क्लियरली हमको डिसरिस्पेक्ट करके हमें वापस भेजा है। और एक बार कॉलेज में जाएंगे, हिजाब के साथ जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हम डीसी के पास भी परमिशन लेके आएंगे, देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। हमें डिस फॉर्म पे भी आएंगे, हम जाएंगे कल हिजाब के साथ जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया लिंगराज कॉलेज से कि उन्हें हिजाब के ताल्लुक से प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं किया विदाउट हिजाब। तो फिर मैं जाकर प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल से डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि वो डिस्कस कर बोलेंगे। तो इसी दौरान जब हमें मालूम पड़ा कि अलाउ नहीं करेंगे तो हमने डीसी सर पास आकर एक मेमोरेंडम दिया। तो डीसी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि कल वो विद हिजाब हमारे बहनों को एग्ज़ाम में अलाउड करेंगे और हमें इसी उम्मीद से जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक का वेट करेंगे।